माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ए लड़के, मुझे अंदर जाने दे। नहीं, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। अलग कर दिया। ये आपने क्या किया? ये आपने क्या किया प्रभु? ये मेरा पुत्र था। इसे मैंने अपने नहाने के चंदन से बनाया था और इसमें अपने प्राण भोगे थे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, वापस चाहिए। किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। हमें क्षमा कर दो। नहीं, नहीं, मुझे अपना पुत्र चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना पुत्र चाहिए। जाओ और गणेश का सर ढूंढ के लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और इस प्रकार वे सब निकल पड़े, किंतु उन्हें कहीं भी गणेश का सिर नहीं मिला। पता नहीं वो सर कहां गया। अब हम पार्वती माता को क्या बताएंगे? उसके बाद भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे लोग किसी जानवर का सिर लेकर आएं। शिव भक्त धरती से एक हाथी का सिर लेकर आए और शिव ने उसे गणेश के धड़ पर लगा दिया। बेटा गणेश, ये तुम्हारे पिता हैं। इनके पैर छू। और इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ। तो इसका मतलब इस गांव में गणेश उत्सव की तैयारियां चल रही थी और मैंने उनके साथ कितना बुरा किया। जो लोग मेरी पूजा करते हैं उन्हीं को मैंने कितना कष्ट दिया। यानी कि तुम गणेशा हो? हाँ, ये गणेश ही है। मैं इस दानव को कैसे मार सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से बहुत दूर एक पर्वत है जिसमें गुरु व्रज कोटि का वास है। उनके पास एक ऐसा अस्त्र है जिससे तुम इस दानव को मार सकते हो और सबको ठीक कर सकते हो। किंतु तुम्हें वहाँ 3 दिन में पहुँचना होगा। जी गुरु।
गुरुजी, गुरुजी। क्या हुआ? पता नहीं ये सारे दानव आपकी रेखा को पार करके अंदर कैसे आ गए। इन्होंने रक्षी चक्र कैसे तोड़ दिया? गुरु के पास मेरे मंत्रों की वो किताब है जिसे तुम इस आश्रम से चोरी करके ले गए थे। उसे पढ़ने के बाद मेरे किसी भी मंत्र का असर समाप्त हो जाता है। अब हम क्या करें? गणेश, मेरे पीछे चलो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। किंतु ये दानव सारे बालकों को दानव में बदल देंगे। अब तुम ही इन सब की रक्षा कर सकते हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे साथ आओ। तुम्हारे पास इन लोगों को बचाने के लिए केवल 3 दिन हैं। अगर 3 दिन के अंदर ये लोग मानव में परिवर्तित नहीं हुए तो ये लोग हमेशा के लिए दानव बन जाएंगे। किंतु गुरुजी, गणेश तो एक बालक है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। गणेश कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक देवता है और उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। गुल्लू गणेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या मैं अभी जाकर गुल्लू को सबक सिखाऊं? अभी नहीं, तुम्हें नीलकंठ पर्वत जाना है। पर्वत के अंदर एक जड़ी बूटी है जिसकी शक्ति से ये सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वहाँ पहुँचने से पहले गुल्लू तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं डालेगा। मुझे गुल्लू से डर नहीं लगता। तुम्हें गुल्लू से नहीं, अपने आप से डरने की आवश्यकता है। मतलब? हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, जिसके कारण वो जीवन में पराजित होता है। जैसे कि तुम में अधिक भोजन करना, अधिक क्रोध आना और अधिक आलस्य है। गुल्लू तुम्हारी इन कमियों का फायदा उठाएगा, इसलिए तुम्हें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। इन बातों से गुल्लू का क्या लेना देना? समय के साथ तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये आईना तुम्हें आधे रास्ते तक पहुंचा देगा, आगे की यात्रा तुम्हें स्वयं तय करनी होगी। अरे गणेश, तुम तो पहले जैसे हो गए। अब तुम्हें मानव रूप की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गुरुजी। अब तुम जा सकते हो। गणेश, अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? ये तो बड़ा कठिन कार्य है। चलो उस दिशा में चलते हैं। उस ओर बहुत सारे पहाड़ हैं। क्या पता नीलकंठ पर्वत भी उधर ही हो। हाँ चलो। गुरुजी, वो दानव इस झोपड़ी के अंदर आ चुका है। शीघ्र यहाँ से चलिए। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? अच्छा हुआ आप मिल गई। क्या आप हमें नीलकंठ पर्वत का रास्ता बता सकती हैं? इतने प्यारे बच्चों की मैं क्यों मदद नहीं करूँगी? ओंकार।
कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।